अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। हिरा किचन में है और मेरे किचन में है बहुत सारी रेसिपीज़, तो जल्दी कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जाते जाते एक प्यारा कमेंट करते जाएं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों के लिए मेरी रेसिपीज़ बनेंगी सिंपल, ईजी एंड टेस्टी। तो आते हैं आज की रेसिपी पर। तो गाइज, आज की रेसिपी हमारी कुकर पास्ता। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैं पास्ते को कुकर में बनाऊंगी। मैंने कुकर में 1 टीस्पून ऑयल लेकर 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक डाला है। थोड़ा इसे मैं सॉटे करूंगी। अब एक मीडियम साइज ओनियन को स्लाइसेस में कट कर वो ले लिया है। इसे भी हल्के हल्के हम सॉटे कर लेंगे। ये एकदम झटपट बनेगा कुकर में। ये कुछ वेजीज थी जैसे कैरेट, पीस, स्वीट कॉर्न। आप अपने चॉइस से कुछ भी वेजीज ले सकते हैं। ये कैप्सिकम गई है इसमें, और इन्हें थोड़ा फ्राई कर लेंगे हम। और ये चिकन है जी, जिसे मैंने रात ही ब्लैक पेपर और नमक से मैरिनेट करके फ्रीजर में रख दिया था, और अब मैंने सीधे फ्रीजर से डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। वन टीस्पून चिली फ्लेक्स, और इसे अच्छे से चलाएंगे। ये फ्रीजर करा हुआ चिकन है, कुछ नहीं, जब हम इसकी विसिल लेंगे ये आराम से हो जाएगा। तो जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून से, तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये भी थोड़ा गर्म होएगा तो ये टूट जाएगा चिकन। तो जी, अब इसमें गई है 2 टीस्पून बहुत भर भर कर मायोनीज। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये टमाटो केचप है, ये लगभग मैं 2 से 3 स्पून ले रही हूँ टमाटो केचप, और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब गाइस, ये मैं टमाटो पेस्ट लूँगी। आप टमाटो चॉप करके भी ले लीजिए, मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये 2 टीस्पून है, आप लोग लें तो अपने हिसाब से हाफ़ या फुल टमाटर चॉप ले सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लीजिए। अब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी, और अब मैं डाल रही हूँ चीज़। ये स्लाइस वाली चीज़ है, ये मैंने, आप चीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये पास्ता, इसमें हम पास्ते को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से। ये एक बाउल भरकर पास्ता इसमें गया है, इसे अच्छे से चला देंगे। देखिए, चिकन भी अब हमारा एकदम सही हो गया है, अच्छे से हमने चला दिया है। और ये देखिए गाइस, आप पानी देख सकते हैं मैंने कितना लिया है, ज़्यादा पानी नहीं लेंगे। और अब इस प्रेशर कुकर की लिड लगा देते हैं, और 2 विसिल हाई फ्लेम पर हम ले लेंगे। ये प्रेशर कुकर की प्रेशर रिलीज़ हो गई है और पास्ता बनकर रेडी है। देखिए गाइस, कितना ज़्यादा सॉसी ये हमारा पास्ता बनकर रेडी है। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया है गाइस। चलिए, अब मैं जाती हूँ इसे खाने। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। फिर मिलेंगे हिरा के किचन में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।